और फरमाया कि वो जहन्नमी इंसान है, उसकी बख्शिश नहीं होगी जिसके शर से डर कर लोग उसकी इज्जत करते हैं। एक होती है अल्लाह के भरोसा न होने की वजह से खौफ किसी से हुआ, ये अल्लाह पर भरोसा नहीं है, वो कहता है कि अगर मैंने यूं न किया तो यूं हो जाएगा, उसके पास दौड़ो, उसको कहो, उसके पास दौड़ो, उससे बात करो, फरां से रब्ता करो, उसका अल्लाह पर भरोसा नहीं होता। हालांकि अल्लाह ने फरमाया मैं तवक्कल अल्लाह वहा हस्बो, जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसकी हाजतें पूरी करने के लिए काफी है। लेकिन लोग कभी किसके पास दौड़ते हैं, कभी अफसराने बाला की तरफ, तो अंदर उनके खौफ होता है, अल्लाह की तरफ इनाबत नहीं होती, अल्लाह पर यकीन नहीं होता। हालांकि इंसान को जो कुछ मिलना है वो मिलकर रहना है, उसको मिलना है, और जो मालिक ने नहीं देना वो सब असबाब के होते हुए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सूरत में आप ये देखें कि ये दूसरा खौफ इस सूरत में होता है कि वो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, और एक खौफ होता है इस वजह से कि इतना कुर्ब होता है महबूब की जात के साथ कि इंसान डरता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती या लफ्जिश ना हो जाए कि मुझसे मेरा मालिक नाराज ना हो जाए।